अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम प्रीवियसली जो टॉपिक कर रहे थे उसी को आगे लेके चलेंगे। और वो है कि नेगेटिव नंबर के रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी। ठीक है, तो लास्ट में हमने जो एक मेथड पढ़ा था वो था साइन मैग्नीट्यूड मेथड, और हमने उसमें देखा था कि 0 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, और फिर हमने उसमें सबट्रैक्शन करके देखी थी और ये कंक्लूड किया था कि सबट्रैक्शन के रिजल्ट उसमें सही नहीं आ रहे। तो चूंकि वो सिस्टम फेल हो गया था तो फिर हम एक नेक्स्ट सिस्टम पर बढ़ते हैं और इसका नाम है वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, लेकिन थोड़ा पहले मैं आपको फॉर्मूला से बता देता हूँ, फिर इसके एक शॉर्टकट भी बता दूंगा कि ये कैसे किया जाता है। ठीक है, गिवन अ नंबर एक्स विच कैन बी एक्सप्रेस एज एन एन बिट बाइनरी नंबर, इट्स नेगेटिव वैल्यू कैन बी ऑब्टेन इन वंस कॉम्प्लीमेंट यूजिंग द गिवन फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है कि अगर आपने माइनस एक्स का से कोड निकालना है तो इक्वेलेंट होता है 2^(n-x-1)। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बात समझा देता हूँ। से मुझे 5 का जो है माइनस का कोड चाहिए, तो सबसे पहले तो मैंने ये किया कि यहाँ पे +5 का कोड लिख लिया। ठीक है, ये +5 का कोड है, आप क्लियरली देख सकते हैं +5 का कोड है ये। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप खुद से साइन के लिए एक बिट रिजर्व करना, क्योंकि 5 को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो 5 को मैं आराम से, सिर्फ 5 की बात करूँ, +5 -5 की बात नहीं कर, सिर्फ 5 के कोड की बात करूँ तो 5 3 बिट्स में रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो 5 3 बिट्स में रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन +5 या -5 के लिए मुझे एक एडिशनल बिट रिक्वायर्ड है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 5 को टोटल 4 बिट्स में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और 0 क्यों लिखा है? क्योंकि जस्ट 5 इज एक्चुअली अ +5। ठीक है, अगर कोई भी साइन नहीं होता तो वो नंबर वैसे ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 लगा हुआ है, वो एडिशनल बिट पे 0101, और आपको पता है सिग्निफिकेंट नंबर में ये होता है कि लेफ्ट पे अगर मैं 0 लगा दूँ तो नंबर के वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्निफिकेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस भी कर चुके हैं 2-3 लेक्चर्स बैक। ठीक है, तो फॉर्मूला कहता है 2^(n), 2^4 क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 बिट्स ली हैं, इसमें से अगर मैं कर दूँ -5, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू मेरी 5 है, और -1, और यहाँ पे देखें मैंने अभी क्लियरली लिखा हुआ है मैं base 10 में काम कर रहा हूँ, तो इससे जो रिजल्ट जनरेट होता है वो 10 जनरेट हो रहा है, जो कि चूंकि यहाँ पे base 10 लिखा हुआ है इसका मतलब है ये 10 नहीं है बल्कि क्या है, 10 है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में 10 का मतलब 10 होता है, तो इसीलिए आप लोग अपनी बेसिस का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बेस मेंशन ना करूँ, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये 10 है या 10 है, यानी बाइनरी का 2 है या डेसिमल का 10 है, तो बेसिस लिखना जरूरी है। तो खैर मैंने सिंप्लीफाई कर लिया और मुझे पता लगा कि भाई ये जो 10 है ये आ रहा है -x का रिजल्ट, यानी -5 इज एक्चुअली इक्वलेंट टू वो कोड होगा जो आप 10 को देंगे। तो फिर 10 को मैंने वही बात बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, रिपीटेटिव डिवीजन मेथड से जब कन्वर्ट किया तो बाइनरी में इसकी वैल्यू आ गई ये। ठीक है, तो बाइनरी में इसकी वैल्यू ये आ गई, और यहाँ पे मैंने वंस इसलिए लिख दिया है, खैर ये भी बाइनरी, ठीक है, ये बाइनरी है, बाइनरी वंस या टूज होते ही बाइनरी में। ठीक है, तो 1s लिख के सिर्फ ये बात बता रहा हूँ क्लियरली कि ये एक नेगेटिव नंबर है तो बाइनरी, लेकिन बाइनरी में नेगेटिव नंबर है, और किस सिस्टम का है ये? वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो ये बात है, ठीक है, सिर्फ एक्सप्लिसिटली ये बात कहने के लिए कि वंस कॉम्प्लीमेंट से आए, अदरवाइज अगर आप जेनरिक यहाँ पे लिखेंगे तो base 2 ही लिखा जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता लगता है? इससे मुझे ये पता लगता है कि ये नंबर 1 का मतलब है नेगेटिव है, और ये जो भी कोड है ये किसका कोड आ गया? 5 के लिए कोड आ गया। अब ये कोड अगर आप ध्यान दें तो इस कोड से डिफरेंट है, ये कोड इस कोड से डिफरेंट है, जबकि साइन मैग्नीट्यूड मेथड में मैं क्या करता था, सिंपली सिर्फ साइन बदल देता था, मैग्नीट्यूड एज इट इज वही रहता था। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो साइन तो इन्वर्ट होता ही होता है, लेकिन बाकी बिट्स भी सेम नहीं रहती, बाकी बिट भी चेंज हो जाती है, एग्जैक्टली सेम नहीं रहती, यानी मैग्नीट्यूड पे भी मैं कुछ प्री प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप बता सकते हैं कि मुझे एक्चुअली इस नंबर में जो कि +5 का है
और इस नंबर में जो कि माइनस फाइव का है, कोई कोई पैटर्न पकड़ पा रहे हैं आप लोग, कोई खास बात? साइन बिट को अगर हमें हटा दूं, ठीक है चलें, साइन बिट तो मुझे पता है जीरो का मतलब पॉजिटिव और वन का मतलब नेगेटिव, बाकी मैग्नीट्यूड में कोई कंपैरिजन या कोई रिलेशनशिप आप फाइंड आउट कर पा रहे हो, कोई चीज भी, कुछ भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये हो रहा है इसमें? जी क्लास एनीवन? नहीं, और कोई कुछ बताना चाहेगा? एक पैटर्न है अगर आप उसे ऑब्जर्व कर सकें तो। अच्छा चलिए मैं बता देता हूं, अगर आप ध्यान दें तो, ध्यान दें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं फ्रॉम राइट हैंड साइड चेक करना शुरू करूं तो ऊपर सबसे पहला डिजिट था वन, नीचे चेक करता हूं तो है जीरो, ठीक है, दूसरा डिजिट चेक करता हूं तो ऊपर था जीरो नीचे है वन, तीसरा चेक करता हूं तो ऊपर था वन नीचे है जीरो। तो इसमें हुआ क्या है कि एक्चुअली जो जीरो थे वो वन में कन्वर्ट हो गए, जो वन थे वो जीरो में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स अगर आपको कहना चाहिए कि वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है किसी नंबर का, तो आप एक शॉर्टकट तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो सिंपली क्या है, इन्वर्टिंग ईच बिट, ठीक है, आप हर बिट को इन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक है, एक जवाब भी आ गया मेरे पास, सही है। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लियर और इसका शॉर्टकट भी दिखा देता हूँ। शॉर्टकट सिंपली क्या है कि मैं हर बिट को अगर इन्वर्ट कर दूं तो ये मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, जो कि सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे। लेकिन आपको फिर ये फॉर्मूला बताने की क्या जरूरत थी? फॉर्मूला बताने की जरूरत ये थी कि फॉर्मूला एक्चुअली आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा, ठीक है। ये नंबर व्हील है, अगर आप इसमें ध्यान दें तो 4 बिट के सारे कोड्स यहाँ पे मेंशन है। कहाँ मेंशन है मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, यहाँ से 000 से कोडिंग शुरू हो रही है, फिर दूसरा कोड है 001, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, यहाँ पर आ गया लास्ट कोड 111, ठीक है। अब अगर ध्यान दें तो नंबर व्हील में दो आपके पास एक तरीके से लेयर्स हैं, तो सबसे आउटसाइड वाली लेयर को देखें, उसमें कहा जा रहा है अनसाइंड वैल्यू रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेड, तो इसमें इस कोड का मतलब होता है जीरो, इस कोड का मतलब होता है वन, इस कोड का मतलब होता है टू, इस कोड का मतलब होता है थ्री, अनसाइंड नंबर की बात करूं, ठीक है, अनसाइंड का मतलब यह है ना पॉजिटिव नेगेटिव जैसी कोई बात नहीं, और फाइनली इस साइन का मतलब क्या होता है 15, और ये हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो पूरा टेबल जो मैंने दिखाया था उसमें जीरो के अगेंस्ट ये कोड था, वन के अगेंस्ट ये कोड था एंड 15 के अगेंस्ट ये कोड था, ठीक है, इससे हम फेमिलियर हैं। लेकिन अब बात करते हैं ये इनर सर्कल या इनर लेयर की, तो ये है वंस कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज या रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे कि लास्ट में बताया था मैंने, नंबर स्केल वाली बात जो बताई थी कि चूंकि अब मैं 4 बिट्स में से एक बिट साइन के लिए रिजर्व कर देता हूं, तो मेरे पास रिमेनिंग मैग्नीट्यूड के लिए रह जाती है 3, तो मेरी रेंज जो है एक तरीके से हाफ हो जाती है, यानी अभी मैं 15 तक रिप्रेजेंट कर पा रहा था तो अब मेरे पास 7 या 8 तक मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर अब आप ध्यान दें तो इसमें ये 00 का कोड, चूंकि 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, यही कोड है, 1 की बात करूं तो 1 का कोड भी यही है जो अनसाइंड का है, 2 की बात करूं तो 2 का भी वही है, 3 का भी वही है, 4 का भी वही है, और फाइनली 7 का कोड भी वही है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइड की रेंज पर कोई फर्क नहीं आया। लेकिन उसके बाद अगर आप ध्यान दें जो कि ये कोड है, अनसाइंड नंबर का 8 कहलाता था, लेकिन साइंड नंबर का ये कोड क्या कहलाता है, -7 कहलाता है, ठीक है, -7 कहलाता है, क्योंकि अगर 7 का कोड मैं इन्वर्ट कर दूं जो कि होता है 0111, तो वो बन जाएगा 1000। तो अब साइंड नंबर में देखिए फर्क क्या आ रहा है, ये कोड जो है
माइनस सिक्स के लिए डेडिकेट हो गया, ये वाला कोड जो है माइनस फाइव के लिए डेडिकेट हो गया, ये अभी हमने बात प्रूफ भी की, ये वाला कोड आया, ये देख लें ठीक है, 1010 इज माइनस फाइव, और ये कैसे आया, आपने प्लस फाइव को इन्वर्ट कर दिया तो यार। तो सिमिलरली आप अगर इन्वर्ट करेंगे इस वाले कोड को, स्पेशल केस ये वाला 000 को इन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब आता है 1111, ठीक है, और ये अगर जीरो है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, माइनस का जीरो, एंड स्टिल यहाँ पर दो जीरोस की वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, एक जीरो है और एक माइनस का जीरो है, ठीक है, यानी इसमें भी स्टिल वो प्रॉब्लम वन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो इसमें भी स्टिल प्रॉब्लम वन एग्जिस्ट करती है जो कि साइन मैग्नीट्यूड मेथड में एग्जिस्ट करती थी। तो फिर क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ, मैं पहले से बता देता हूँ, स्पॉयलर समझ लें, कि इसमें वो जो सेकंड वाली प्रॉब्लम थी वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी एक स्टेप हम आगे बढ़े, प्रॉब्लम टू हमने इसमें सॉल्व कर ली, लेकिन प्रॉब्लम वन स्टिल एग्जिस्ट इन वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ तक इस स्लाइड पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और उसकी डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है तो अच्छा, तो ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लियर, ये नंबर व्हील था वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, और अगर आगे स्लाइड पे चलता हूँ तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स है। अब लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर की बात करें तो वही वाली बात है, वैसे ही फॉर्मूला मेरे पास है, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ तो मैंने 7 बिट मैग्नीट्यूड के लिए कर दी और 1 बिट वही साइन के लिए निकाल ली, तो 0 का मतलब है प्लस और 1111 का मतलब होता है 127, ठीक है। लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर की अगर बात करें, ठीक है, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर कैसे आएगा, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर को अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो लार्जेस्ट नेगेटिव आ जाएगा, यानी 0111 को इन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, 0 का 1 बन जाएगा और सारे के सारे 1 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो ये एक्चुअली अगर प्लस 127 है तो ये नीचे वाला कोड माइनस 127 है, सही है। इसमें भी स्टिल टू वैल्यूज ऑफ जीरो है, ये वही बात प्लस जीरो के लिए है, सारे के सारे जीरो थे, इन्वर्ट कर दूंगा सारे बिट्स तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये सारे के सारे वन हो जाएंगे, तो इसमें भी स्टिल दो जीरोस की वैल्यू है, प्लस जीरो एंड माइनस जीरो, ठीक है, ये भी हो गया। तो रेंज की बात कर लें, तो रेंज की बात कर लें अगर, अच्छा रेंज इसकी क्या है, रेंज का फॉर्मूला ये बना हुआ है और रेंज अभी हमने चेक कर ही ली, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, लार्जेस्ट नेगेटिव से लेकर लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर की रेंज होगी, यानी इसमें माइनस 127 से लेकर प्लस 127 तक सारे नंबर आ सकते हैं, यानी माइनस 126, माइनस 125, माइनस 1, माइनस 5, प्लस 8, प्लस 16, प्लस 25, ये सब इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और ये इसका जेनरिक फार्मूला लिखा हुआ है, कि जेनरिक फार्मूला क्या है, के टू टू द पावर एन माइनस वन से लेकर आपका जो है पॉजिटिव का टू टू द पावर एन माइनस वन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में अगर वही बात है, एन की वैल्यू में 8 पुट करता हूं तो मेरे पास माइनस 127 से लेकर प्लस 127 की रेंज आ जाएगी, अगर मैं इसमें एन की वैल्यू से 16 पुट कर दूंगा तो और बड़ी रेंज आ जाएगी, एन की वैल्यू 5 पुट कर दूंगा तो कोई और रेंज आ जाएगी, लेकिन ये आपके पास फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी बिट्स की रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। और द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट स्टिल रिप्रेजेंट्स द साइन, यहाँ पे भी वही रूल है, 0 मींस पॉजिटिव और 1 मींस नेगेटिव, ठीक है। तो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर हमने नंबर्स में लिख के देख लिया, प्लस 127 बन रहा था, उसका इन्वर्ट कर लिया तो वही लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर होगी। तो ये फाइंडिंग्स है हमारी वंस कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है, होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सिर्फ समराइज किया गया है जो लास्ट स्लाइड पे बताया, लेकिन प्रॉब्लम वन स्टिल यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम अभी आगे चल के सॉल्व करेंगे। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है कि अगर आपको कहा जाए किसी नंबर को कन्वर्ट करें तो आप कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूज मत होइए, ये ट्रिक क्वेश्चन है,
अगर मैं आपको कहता हूँ +14 का वंस कॉम्प्लीमेंट बताएं, तो आप +14 लिखेंगे, लेकिन प्लस के नंबर्स का वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट हमेशा नेगेटिव नंबर के लिए होता है, ठीक है? तो अगर आपको कोई कह रहा है ना कि प्लस के नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करें, तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं कहूँ आपको -14 करें, या मैं कहूँ कि 14 का मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट बताएं, तो आप करेंगे वही फॉर्मूला, ये 14 का कोड लिखा, ठीक है? अब ये 8 बिट में लिखा हुआ है, देखो क्लियरली कह रहे हैं 8 बिट में रिप्रेजेंट करें, तो मैंने 8 बिट में 14 का कोड लिखा, 14 आ गया मेरे पास 4 बिट्स में, और बाकी सारी की सारी बिट्स मैंने कर दी 0, ठीक है? सारी की सारी बिट मैंने कर दी 0, क्योंकि 0 मैं जितने मर्जी लगा दूं लेफ्ट साइड पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर मेरा स्टिल 14 ही रहेगा, ठीक है? ये बात सबको क्लियर है ना क्यों कह रहा हूँ? इट्स लाइक कि मैं अगर आपको कहता हूँ कि आज जो डेट है वो है 04, या 04 से नहीं, मैं कहता हूँ आज डेट है आपकी 4th, मैं इसको 04 भी लिख सकता हूँ, कुछ लोग लिखते हैं कैलेंडर में, मैं भी लिखता हूँ। अब मैं कहूँ कि मैं और अलग तरीके से लिखना चाहूंगा, मैं 004 लिख दूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 0004 लिख दूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसके वेट पे, क्योंकि ये 4 ही रहेगा, ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर का होता है, पॉजिटिव के लिए नहीं होता। मतलब अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर की नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तब आप वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और होगा क्या, सिंपली बिट्स को इन्वर्ट करें, ठीक हो गया? अच्छा, 14 और +14 में डिफरेंस ये है, देखो जब भी अगर मैं बात कर रहा हूँ ना अनसाइंड नंबर की, अनसाइंड का मतलब है कभी भी उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं सिर्फ ये कह दूं 14 काफी है, क्योंकि मुझे पता है सिस्टम मेरा अनसाइंड है, तो मुझे ये सवाल करना ही नहीं बनता कि मैं पूछूं भाई नेगेटिव है या पॉजिटिव, 14 इज 14, ठीक है? और अगर मैं कह रहा हूँ +14, +14 का मतलब भी वही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं साइन पे इम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम जो है मेरा साइन नंबर का सिस्टम है, यानी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें -14 भी एग्जिस्ट करता हो, ठीक है? वैसे +14 लिख दूं या 14 लिख दूं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क कब आएगा, जब मैं माइनस का 14 लिखूंगा। अभी जो मैंने आपको पीछे नंबर स्केल दिखाया, उसमें आपने देखा ना कि पॉजिटिव नंबर अनसाइंड के और साइंड के दोनों सेम थे। मैं दोबारा से उस स्लाइड पे लेके चलता हूँ, ताकि आपको याद आ जाए कि मैंने क्या बताया। नंबर सिस्टम, नंबर्स, इसमें अगर ध्यान दें तो ये सवाल है, हसीब ने पूछा हुआ है ना, हसीब, यहाँ पे मैं इस एग्जांपल के थ्रू बात समझा रहा हूँ कि इसको देख लो, ये साइंड नंबर का 4 है, ये अनसाइंड नंबर का 4 है, दोनों के बाइनरी कोड सेम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह आप देख लो कहाँ तक आए हैं, 7 तक ना, तो ये 7 है साइंड का, ये 7 है अनसाइंड का, और दोनों का बाइनरी कोड सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद वाले कोड अगर आप ध्यान दो, तो ये 9 है अनसाइंड का, लेकिन ये -6 है साइंड का, तो नेगेटिव नंबर में फर्क आ जाता है, दोनों सेम नहीं होते, लेकिन दोनों का बाइनरी कोड सेम है, 9 का और -6 का कोड सेम आ रहा है, जबकि इस तरफ देखो 7 और +7 दोनों सेम है, ठीक है? तो बस थोड़ा सा अनसाइंड नंबर और साइंड नंबर के फर्क है। और इसके लिए अगर वही मैं कहूंगा कि कोई प्रीवियस लेक्चर अगर मिस किया है, तो खास तौर पर वाला लेक्चर देखना जिसमें नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करके बताई थी, ठीक है? इन जनरल आपकी बात, +14 एंड 14 अगर कहता हूँ इसका मतलब एक ही बात है, लेकिन अगर नेगेटिव कहता हूँ तो इसका मतलब अलग है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अच्छे से मैं क्लियर कर लेता हूँ। एग्जाम्पल हो गई, ठीक है? ओनली फॉर नेगेटिव नंबर्स होता है, ये बात क्लियर हो गई। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे आपको हिंट दी हुई, एज्यूम लीस्ट नंबर ऑफ बिट्स, आपने खुद सोचना है कि 80 को कम से कम, -80 को, ठीक है? -80 को, 80 को आप जितनी बिट्स में रिप्रेजेंट करा सकते हैं, उससे एक ज्यादा बिट लगेगी -80 को रिप्रेजेंट कराने के लिए, क्योंकि एडिशनल बिट आपको रिक्वायर्ड होती है फॉर साइन, ठीक है? तो एक तरीके से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ प्रीवियस क्वेश्चन को कि +14 और 14 में क्या फर्क है,
तो वही एडिशनल बिट का फर्क है। 14 कहूंगा तो 14 का कोड तो 4 बिट में आ सकता है, लेकिन अगर मैं कहूंगा +14 तो +14 का कोड 5 बिट में आएगा, -14 कहूंगा तो उसका कोड भी 5 बिट में आएगा। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब हमारे पास है टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या है? टूस कॉम्प्लीमेंट में कुछ खास डिफरेंट नहीं है। अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया है तो आप देख भी सकते हैं कि इसके फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट वंस कॉम्प्लीमेंट जैसा है। बस एक डिफरेंस है, वो ये है कि इसमें -1 का फैक्टर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इसको भी अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें तो इसमें भी अगर मैं -5 को कन्वर्ट करता हूँ तो वही फार्मूला है, बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स हैं। बस मैं इसमें -1 नहीं करूँगा, वही मैंने +5 को लिखा। यहाँ तक जो चीज़ है ये 5 है, ठीक है, लेकिन प्लस के लिए मुझे एक एडिशनल 0 लगाना पड़ा। ठीक है, और मुझे अब इसका नेगेटिव चाहिए, +5 का नेगेटिव चाहिए। तो मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, 2 to the power 4, 4 क्योंकि टोटल बिट 4 है, -5 किया, 11 आ गया। ठीक है, तो जो 11 आए यहाँ पे हुआ क्या है, पहले मैंने लिखी लेफ्ट हैंड साइड -x, तो ये चीज़ है -x। ठीक है, और -x इक्वल है किसके, ये राइट हैंड साइड, तो फिर मैंने ये राइट हैंड साइड की सॉल्यूशन शुरू कर दिया। राइट हैंड साइड की सिंप्लीफाई किया, 11 आया, और फिर इस 11 को जब मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये कोड आया। तो इसमें एक्चुअली ये पता लग रहा है कि ये नेगेटिव है नंबर, और नेगेटिव का 5 का कोड ये मैग्नीट्यूड है। और आप इसको देख सकते हैं कि ये 101 नहीं है, यानी ये भी साइन मैग्नीट्यूड की तरह नहीं है, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज का फर्क है, और उस वजह से अगर वो शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने आपको बताई वो बताऊं तो उसमें भी एक चीज चेंज आती है। वो क्या आती है, 1 का डिफरेंस है। तो पहले मैं वंस कॉम्प्लीमेंट लूंगा, यानी सारी की सारी बिट इन्वर्ट कर दूंगा, और फिर लास्ट वाले बिट में 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 कर दूं तो मेरे पास टूज कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 करने से मेरे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अगर इसका नंबर व्हील देखूं तो इसके नंबर व्हील में तो थोड़ा सा फर्क आया है। नंबर व्हील में अगर ध्यान दें तो एक चीज चेंज हुई है, प्लस वन क्यों करना पड़ रहा है और फॉर्मूले में से -1 क्यों हटाया, इससे एक चीज हमने अचीव की। क्या चीज अचीव किया, अनसाइंड स्केल तो वैसा ही है, 0 से लेकर 15 तक नंबर वैसे ही लिखे हैं, वही कोड है, अनसाइंड पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। साइंड वाले सर्कल को देखते हैं या लेयर को देखते हैं, तो साइंड वाले लेयर में देखें 0 का कोड है ये, 1 का कोड है ये, बिल्कुल वैसे ही जैसे वंस में थे, 7 का कोड है ये, तो पॉजिटिव कोड तो वैसे ही है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे 0 से पहले प्रीवियस वाले स्केल में -0 लिखा था, लेकिन यहाँ पे आ गया -1, तो यहाँ पर एक्चुअली 2 जीरोस नहीं है। और वो 2 जीरोस का डिफरेंस जो था वो मैंने कैसे कवर किया, वो जो एडिशनल एक मेरे पास 0 आता था उसको मैंने +1 करके कैंसिल आउट कर दिया। एक तरीके 0 में अगर मैं +1 करूँ, -0 में, या से -1 में +1 करूँ तो 0 हो जाता है। ठीक है, -1 में अगर मैं +1 करूँ तो 0 हो जाता है। तो -1 ने वो वाली प्लेस ले ली है जो 0 ने ली हुई थी, और -2 उस प्लेस पे आ गया जो -1 ने ली हुई थी। तो ये सब एक एक शिफ्ट हो गए, तो सब एक एक शिफ्ट हो गए, तो ये वाला कोड जो है ये -7 का कोड बन गया। और ये जो मेरे पास एडिशनल लास्ट कोड बचा है, ठीक है, ये जो लास्ट कोड बचा है इस पे मुझे एक नई वैल्यू मिल रही है, वो है -8। और एक खास बात यहाँ पे ध्यान दें, ये जो मेरे पास एक लास्ट एडिशनल हमारे पास वैल्यू आई है, यानी नेगेटिव का एक नंबर बढ़ गया है, नेगेटिव में मैं अब -8 भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और पॉजिटिव में मैं मैक्सिमम 7 तक जा सकता हूँ। और खास बात क्या है, ये जो एडिशनल वैल्यू आई, ये वैल्यू का जो कोड है वो ही इसी की पॉजिटिव वैल्यू का भी कोड है। एक यूनिक फीचर है टूज कॉम्प्लीमेंट में कि जो सबसे एज वाली या एंड वाली वैल्यू होती है नेगेटिव नंबर की, उसका पॉजिटिव का और नेगेटिव का कोड दोनों ही सेम होते हैं। तो +8 का कोड और -8 का कोड सेम है, और ये एक्चुअली मिडिल वैल्यू बन जाती है दोनों तरफ से। ठीक है, तो नंबर स्केल में ये चेंज आया। अब इससे मुझे क्या फायदा हुआ ये देख लेते हैं। एक फायदा तो अपेरेंट है, आपको पता लग गया इसमें से 2 जीरोस थे, अब 1 जीरो हट चुका है। लार्जेस्ट नंबर की अगर बात करें तो वही फॉर्मूला हमारे पास, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर स्टिल मेरे पास है 127।
ठीक है, क्योंकि जीरो मैंने पॉजिटिव के लिए लिया, रिमेनिंग बिट मैंने मैग्नीट्यूड के लिए, तो ये बन गया मेरे पास प्लस का 127। और मैंने इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या था? टूस कॉम्प्लीमेंट क्या था कि मैं पहले तो आपके इस नंबर को क्या कर दूंगा, इन्वर्ट करूंगा, और इन्वर्ट करके इसमें प्लस वन कर दूंगा। तो इन्वर्ट करके प्लस वन करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, माइनस 128 का कोड आया। अच्छा, ये कैसे आया? इसको प्लस वाले नंबर को नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आ गया, क्योंकि प्लस 128 का कोड 8 बिट में रिप्रेजेंट मैं कर नहीं सकता। ठीक है, समझ रहे हैं बात? प्लस 128 का कोड मैं 8 बिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो फिर मैं प्लस 128 को टूस कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो वो आएगा ना माइनस 28, तो वो भी फिलहाल नहीं ले सकता। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये वाला नंबर जो होगा ना, सबसे बड़ा या सबसे छोटा नेगेटिव नंबर, इन सिंपल वर्ड सबसे छोटा नेगेटिव नंबर जो है इसमें आ सकेगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट कहना मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, लार्जेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, मैं इसकी करेक्शन कर दूंगा, लार्जेस्ट नहीं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखना ज्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि नंबर जितना बड़ा वेट में होता है नेगेटिव, उतना छोटा कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने पास भी करेक्शन कर लीजिएगा, मैं भी कर दूंगा इसको, लार्जेस्ट कहना सुटेबल। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो हमें अचीव हुई वो क्या है, जीरो का एक ही कोड है, सारे जीरो, साइन भी जीरो और मैग्नीट्यूड भी। रेंज का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। रेंज के फॉर्मूले में अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर वो जो एक एडिशनल माइनस वन था जो कि राइट हैंड साइड पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं है। चूंकि माइनस वन नहीं कर रहा तो इधर 27 नहीं बन रहा, बल्कि क्या बन जाता है, 128। लेकिन इधर मैं माइनस वन कर रहा हूँ तो यहाँ पे 127। तो इसमें एक रेंज में भी इजाफा हो गया कि इसमें मैं एक एडिशनल नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और वही है माइनस का 128। साइन के लिए यहाँ पे भी स्टिल जीरो पॉजिटिव के लिए और वन नेगेटिव के लिए यूज होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? जी, क्लास आप फॉलो कर रहे हैं मुझे? ठीक है, तो उसको कर देता हूँ मैं क्लियर, और आप लोगों को आगे एक और स्लाइड दिखाता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम वन रिजॉल्व हो गई। तो हमने क्या देखा कि प्रॉब्लम वन जो दो जीरोज वाली थी वो रिजॉल्व हो गई टूज कॉम्प्लीमेंट में, लेकिन वो वंस कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट करती थी। टूज कॉम्प्लीमेंट भी बिल्कुल वैसी मैंने बताया, वही प्लस 14 वाली एग्जाम्पल जैसे थी, कि यहाँ पर भी आपने पॉजिटिव का कभी भी नहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि पॉजिटिव का ना वंस होता है ना पॉजिटिव का टूज होता है, और टूज तो वैसे ही डिपेंड करता है वन पे। तो यहाँ पे देखें, मैंने कहा चूंकि कोई वंस नहीं है तो कोई टूज भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव 14 कहूंगा, यानी मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव 14 को बाइनरी में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, मैंने कहा प्लस 14 को आप मुझे बताएं टूज कॉम्प्लीमेंट इन बाइनरी क्या होगा, यानी टूज कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करें या बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो आप कहते हैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, ये तो प्लस का नंबर है। अगर मैं आपको कहूँ कि माइनस 14 को आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, तो फिर आपको पता है प्रोसीजर क्या, आप पहले लिखेंगे प्लस का 14, ठीक है, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर आप उसमें वन ऐड कर देंगे। तो वन ऐड करेंगे इसमें, तो आपको पता है वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, और कैरी होके वन अगले स्टेप पे स्टेज पे चला जाएगा। तो ये वन आगे आ गया, तो टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ये बन गई। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में वन कॉर्नर पे था, अगर मैं इसमें वन ऐड करता हूँ, से मैं यहाँ पे वन ऐड कर लेता हूँ, ये वन ऐड किया तो इसमें क्या होगा, ये वन कैरी यहाँ आ जाएगा, और कैरी होने की वजह से ये वन इस जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फिर मेरा कोड ये बन जाएगा जो आपके सामने लिखा। ठीक है, एडिशन की प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि सबट्रैक्शन भी यहाँ पे एडिशन के थ्रू ही होती है। ठीक है, तो इधर भी आपके लिए भी सेम वार्निंग के नेगेटिव नंबर के लिए होते हैं, पॉजिटिव के लिए नहीं होते, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सेम है, लेकिन अब आपने इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में और कुछ है? हाँ, समरी। समरी क्या है? समरी ये है कि लास्ट टाइम जो आपको मैंने टेबल दिखाया था, वो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टेबल है, जिसमें अनसाइंड नंबर है। मैंने ये बताया था कि डेसिमल में 0 से लेकर 15 तक के जो कोड हैं बाइनरी में ये होते हैं, ये बात हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में देखी। आज क्या हुआ है कि अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टेबल है, ये है अनसाइंड के लिए। ये किसके लिए? अनसाइंड के लिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ अनसाइंड।
अनसाइंड नंबर्स हैं, ठीक है। और अब जो मैं कर रहा हूँ ये टेबल राइट हैंड साइड पे जो मौजूद है ये वाला टेबल साइंड नंबर के लिए, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखें साइंड और अनसाइंड का फर्क है। अब ये राइट हैंड साइड के टेबल में क्या फर्क है, राइट हैंड साइड के अगर आप टेबल को ध्यान दें तो इसमें मैंने काउंटिंग जो है वो 0 से 15 नहीं लिखी है बल्कि +7 से -8 तक लिखी हुई है, ठीक है। हैं टोटल अभी भी 16 नंबर, लेकिन नंबर स्केल क्या है शिफ्ट हो गया है, अब वो -8 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर -8 में +1 +1 +1 करता जाऊं तो जब +16 होगा तो एंचुअली वो +7 तक पहुंच जाएगा, ठीक है, काउंटिंग ऐसे होगी। अब अगर आप ध्यान दें साइन मैग्नीट्यूड वाले मेथड पे जो हमने सबसे पहले पढ़ा, तो पॉजिटिव का नंबर आप देखें यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव के नंबर है यहाँ तक, तो ये देखें बिल्कुल सही लिखे हैं, जीरो का कोड वही है जो जीरो का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपेयर कर लें, जीरो का कोड जो यहाँ है वही जीरो का कोड यहाँ पर भी है, वन का कोड जो यहाँ है वन का कोड वो यहीं पर है, ठीक है। डायरेक्शन पे मत जाइएगा, इसको देखें +1 यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह जो फाइनली +7 या 7 का कोड है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सेम, यानी पॉजिटिव नंबर की साइड पे कोई फर्क नहीं आया, लेकिन अब वो जो है रिप्रेजेंट हो रहे हैं 4-bit में। वंस कॉम्प्लीमेंट में देखें तो उसमें भी ये नंबर सेम है एज इट इज, 7 की जगह यही कोड लिखा हुआ है, 0 की जगह 0 का ही लिखा हुआ है, यानी कोड सेम है, यहाँ पर भी सेम है। टूज कॉम्प्लीमेंट में देखें तो टूज कॉम्प्लीमेंट में बिल्कुल एज इट इज ये सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये 7 ही है, ये +1 है, ये +0 है। साइन मैग्नीट्यूड में आपको याद होगा कि -0 की भी एक वैल्यू होती है, और नेगेटिव में सिर्फ चेंज क्या आता है, सिर्फ साइन बदल देता हूँ मैं, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहता है, यानी सब जगह 1 कर रहा हूँ, 0 का कोड एज इट इज वही है जो ये 0 का कोड मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये कोड और ये कोड, यानी इन दोनों कोड्स को अगर आप कंपेयर करें सेम है, सिर्फ 0 और 1 का फर्क है, ठीक है। तो इधर क्या होता है, मैं अगर बात समझाना चाहूँ, सिर्फ कंपेरिजन करें, इसका कोड और इसका कोड सेम है, सिर्फ 1-0 का फर्क है क्योंकि साइन का फर्क है, इसका कोड और इसका कोड सेम है सिर्फ साइन का फर्क है तो 1 और 0 का फर्क आ रहा है, इसका कोड और इसका कोड सेम है सिर्फ 1 और 0 का फर्क, क्योंकि साइन मैग्नीट्यूड में मैंने कुछ नहीं बदला था, मैग्नीट्यूड में बस साइन को चेंज कर दिया था, मैग्नीट्यूड एज इट इज यूज कर रहा था, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ था, सबट्रैक्शन के रिजल्ट गलत आ रहे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में मैंने क्या किया, अच्छा आप ध्यान दें अगर वंस कॉम्प्लीमेंट और साइन मैग्नीट्यूड के चार्ट को, तो आप क्लियरली एक चीज देखेंगे कि अगर मेरी डायरेक्शन जो है इसकी ऐसे है, यानी जो कोड इसमें ऊपर पहला है वो इस वाले में यहां से स्टार्ट होगा, इसकी डायरेक्शन में फर्क है, यानी इसका पहला 1000 है, इसका लास्ट 100 है, इसका पहला 111 है, इसका लास्ट 111 है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट और साइन मैग्नीट्यूड में एक्चुअल फर्क क्या आया, इनकी डायरेक्शन ही रिवर्स हो जाती है क्योंकि इन दोनों को प्रोसीजर ही अलग है, और डायरेक्शन अलग क्यों हो जाती है, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट में एक्चुअल मैग्नीट्यूड यूज नहीं करता बल्कि उसकी इन्वर्टेड वैल्यूज यूज करता हूँ, तो इन्वर्ट कर रहा हूँ तो डायरेक्शन ऑब्वियसली रिवर्स हो जाएगी। तो इसमें क्या है देखने वाली बात कि डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई लेकिन इधर देखा जाए तो नेगेटिव जीरो का कोड एग्जिस्ट करता है, इधर नेगेटिव जीरो का कोड, ये नेगेटिव जीरो है, नेगेटिव जीरो का कोड इसमें भी एग्जिस्ट करता है और नेगेटिव जीरो का कोड इसमें भी एग्जिस्ट करता है। देन वही वाली बार -1, -2 and 3 and so on, बस डायरेक्शन बदली है साइन मैग्नीट्यूड और वंस में। लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर आप ध्यान दें तो नेगेटिव जीरो नहीं है, टूज कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव जीरो की जगह पे लगा हुआ है डैश, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान दें वंस और टूज को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ ब्लू में ताकि आप समझ सकें, तो इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही है और इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही, दोनों की डायरेक्शन सेम है, टूज और वंस में डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है, यानी जो इम्प्रूवमेंट मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट में की थी वो टूज में भी प्रोपोगेट हो रही है, वो भी ओन करता है एग्जिस्ट करती है, लेकिन फर्क क्या है, आपको याद होगा फॉर्मूला में +-1 का फर्क था, तो अगर आप ध्यान दें तो ये सारे के सारे कोड एक एक लेवल नीचे शिफ्ट हो गए, यानी ये वाला कोड इधर चला गया है,
ठीक है, ये वाला कोड इधर चला गया है, एक एक लेवल का इसमें फर्क है वही प्लस माइनस के डिफरेंस की वजह से, कि वो जो मैं प्लस वन करता हूँ इन्वर्जन के बाद या फॉर्मूले में से मैंने माइनस वन हटा दिया उस वजह से। तो इस वजह से चूंकि सारे कोड एक एक नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, तो जीरो के अगेंस्ट जो कोड होता है वो रहता ही नहीं है, और चूंकि सब नीचे शिफ्ट हो जाते हैं तो ये वाला कोड एडिशनली जो पहले -7 का होता था वो किसे मिल जाता है, -8 को मिल जाता है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कोई फ्लॉ नहीं है, जीरो की भी एक वैल्यू है और एक एडवांटेज भी मिल रहा है इस तरीके से कि एक एडिशनल नंबर मेरे पास रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी मेरी रेंज बढ़ गई है। तो ये है कंपैरिजन समरी ऑफ साइन नंबर्स। ठीक है, साइन मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया, उससे वन को कंपेयर किया, फिर बताया कि साइन मैग्नीट्यूड डिस्कार्ड हो गया, छोड़ दिया क्योंकि इसमें सबट्रैक्शन के रिजल्ट सही नहीं आते। फिर वंस कॉम्प्लीमेंट आए, वंस कॉम्प्लीमेंट किया, बिल्कुल सही है, मैंने बताया कि इसमें सबट्रैक्शन सही हो जाती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो है दो जीरोस की। तो उसको सोल्यूशन हमने कैसे किया, टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में अब आपको पता है जीरोज वाली प्रॉब्लम भी नहीं रही। अब आगे चल के हमें ये देखना है क्या ये सबट्रैक्शन के रिजल्ट सही देता है या नहीं। अगर तो ये सबट्रैक्शन के रिजल्ट सही दे देता है तो फिर हम फैसला कर लेंगे कौन सा सिस्टम बेहतर है, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट तो मैं आपको स्पॉइलर पहले से बता चुका हूँ सबट्रैक्शन के रिजल्ट सही देता है। अब टूज अगर सही दे दे तो उसका मतलब विनर हमारे पास टू आ जाएगा, लेकिन नहीं दे पाया तो फिर हम वंस को विनर कंसिडर करेंगे, क्योंकि चले मैं दो जीरो के साथ तो गुजारा कर लूंगा लेकिन रिजल्ट सही आने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मोर ऑन दैट। टिल देन देखते हैं कि हमारे पास, ठीक है, तो इस लेक्चर से मैं साइन ऑफ करता हूँ, ज्वाइन करते हैं आपको इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।